आप मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं 15 करोड़ का मानहानि का केस करूंगा। सबसे पहले आपका जितना टाइपिस्ट कमज़ोर है ना, उतना ही आपका लीगल टीम भी कमज़ोर है। आपका लीगल टीम इतना कमज़ोर है कि उसने आपको ये तक नहीं बताया है कि मानहानि का केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता। मानहानि का केस आपको करना है तो मैं आपको बता दूं, मैं खुद ही कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट हूं। मैं आपको बता दूं, आपको मानहानि का केस करना है आपको दिल्ली हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। और आप मानहानि का केस मुझ पर क्या करेंगे? मैं आप पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का केस करूंगी। आपने समझ क्या लिया है? सबको मूर्ख समझ लिया? आप कुछ भी बोलेंगे सबको डर जाएगा। क्या नीतू सिंह बोलेंगे मैं तो डर गई, माफ कर दो। नहीं डरती मैं, खासकर ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं डरती जो गलत है। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम बहुत दान करते हैं। दान तो मैं करती हूं और मैं बताती भी नहीं हूं। आप अगर दिल्ली पुलिस से मिल सकता है तो आप यहां के सीसीटीवी का फुटेज निकलवा लीजिए, मुखर्जी नगर से लेके आईएसबीटी तक और इधर वजीराबाद तक। ठंड के मौसम में कई रातों तक मैंने अपने कार के साथ मैं ट्रक लेके निकलती हूं और कम से कम 5000 लोगों को मैंने 4 से 5 दिन के अंदर मैंने कंबल उड़ाया है। वो जब तक अपने फटे हुए कंबल से बाहर झांक के देखते हैं कि ये मखमली कंबल कहां से आया, तब तक मैं आगे निकल जाती हूं। उन्हें पता तक नहीं चलता है सोए में कि किसने आके उसके ऊपर कंबल डाल दिया। आप कहते हैं कि आप इतने बच्चों को पाल रहे हैं। भाई कितने लड़कियों को पाल के मैंने उनकी शादी तक करा दी। आपको शायद पता होगा क्योंकि आप हमारे साथ काम किए हैं, वरना बाहर किसी को पता तक नहीं। मुझे पता है कि हाँ किस तरह से बच्चों को अफीम चटा के गोद में सुलाया जाता है और कभी भी किसी भी भिखारी का बच्चा क्यों नहीं रोता हुआ दिखता है रेड लाइट पे। वो इसीलिए क्योंकि वो नशे में होता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। शारीरिक मानसिक हर तरह का शोषण होता है उसका। ये सब कुछ मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने वैसी लड़की को पाला है। और जब इतना दान आप कर ही रहे हैं तो लगे हाथों जो आपके फ्रेंचाइजी वाले लाखों रुपए गवा चुके हैं आपके फ्रेंचाइजी को लेकर, उनके 5-5 लाख रुपए जो आपने ले रखे हैं करीबन 100 फ्रेंचाइजी से, वो तो आप एटलीस्ट वापस कर दीजिए क्योंकि वो भी दुआएं दे दे आपको। तो इतने दानवीर कर्ण हैं तो कम से कम उनके जो मेहनत और पसीने की कमाई थी, जो उन्होंने इस उम्मीद में लगाया था कि हम कुछ ज़्यादा कमाएंगे और सारा का सारा वो गवा चुके हैं, तो कम से कम उनके ही पैसे वापस कर दीजिए लगे हाथों। पैसे का घमंड आप मत दिखाइए। मैंने बहुत 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 पैसे देखे, लेकिन पैसा आने के बाद आप में एक शालीनता और ज़मीर आनी चाहिए थी, लेकिन आपके बातों से घमंड टपक रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप अकेले उतना कमाते हैं जितना सभी लोग मिलकर कमा रहे हैं। क्या आपको सबकी कमाई मालूम है? दूसरी बात है कि आपका कहना है कि आप सिर्फ 10% ही अपना पैसा लेते हैं और फिर आप कह रहे हैं कि सब कुछ डोनेट कर देते हैं, लेकिन आप जो डोनेशन दिखा रहे हैं वो मात्र 36 लाख का दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी आमदनी सिर्फ 40 लाख है, यानी सिर्फ आप 4 लाख रुपया रखते हैं अपने पास सालाना। तो 4 लाख में फिर आप क्या खाएंगे? और क्या आप मेरे पर जो केस करने वाले हैं, आपको नहीं पता कि उस पर आपकी फ़ी भी लगेगी? डिफेमेशन केस करने पर आपको कोर्ट फी भी देना पड़ेगा, आपके वकील भी पैसा लेंगे। कैसे देंगे आप? अगर आप ये सोचते हैं कि एक तरफ कुकर्म करें और दूसरी तरफ हम दान करें तो मेरे पाप सारे माफ़ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। और आप पैसा जो कहते हैं ना कि आपको पैसे का लालच नहीं है, यादव सर आप हैं, आप जिन्होंने 2013 में ये वादा किया था, आई प्रॉमिस दैट आई विल नेवर चीट पी एट एनी स्टेज। 2 साल के बाद आपने इस प्लेटफॉर्म को चीट करके आपने केरी कैंपस ज्वाइन किया 2015 में। इसको फिर चीट करके आप फिर भागे। कहाँ भागे? तो फिर यहाँ भागे और 2016 में फिर से यहाँ ज्वाइन किए। पैसे के इतने बड़े पुजारी हैं आप आर्म ट्विस्ट कर करके मेरे से पैसा बढ़वाएं। जब देखा आपने कि उसका डबल मिल रहा है, रातों रात मेंस का बैच छोड़कर आप कहाँ गए थे? आपको याद होगा 5 सितंबर को और 6 सितंबर को मेरा स्टेटमेंट ये आप पर है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये आप पर स्टेटमेंट है। आप कहते हैं आप मेरे पर डिफॉर्मेशन केस करेंगे। डिफॉर्मेशन केस से कैसे हाथ पैर जोड़कर आप बचे हैं आपको मैं बताती हूं। यही है ना घटना चक्र का केस, जहां पे आपने हूबहू इनका सारा मटेरियल अपने भारत के इतिहास में उतार दिया था, जो इन्होंने पूरा, मेरी बात तक कोई भरोसा ना करे, जाके खोज के निकाल ले। जागरण का जून 22 2017 का, जागरण का डेली एडिशन का जो था इसका, ये देख लीजिए कि यहाँ पे पूरा निकला था नकल की गई पुस्तकों से। सावधान की बात हो रही थी और आप कह रहे हैं कि आप मेरे पर डिफॉर्मेशन केस करेंगे। आप पर तो कॉपीराइट का केस प्लस डिफॉर्मेशन का, दोनों का केस हुआ था। मैं पब्लिकेशन चलाती हूँ। कॉपीराइट का केस जब किसी पर होता है ना, उस पब्लिकेशन का नाक कट जाता है। लेकिन मैं इन सब बातों में नहीं आना चाहती थी।